Hello Achoo. how are you? So today we are going to discuss non-infectious disease. Okay. We have studied the definitions of non-infectious disease. Okay. So, what is meant by non-infectious disease? So, disease which do not occur through the infections and body contact are called as the non-infectious disease. So, let's take an example of non-infectious disease. So, heart attack is an example of Non infectious disease okay so let's have a about heart attack okay let's go so heart is an amazing organ everybody have heart okay some animals have one heart, some animals have two hearts, some animals have three hearts and some animals have four hearts also okay so heart is an amazing organ okay it continuously pump oxygen. And a nutrient-rich blood, okay, throughout your body. Okay, when you uh, do respirations, so in this process, you intake oxygen. Okay, you intake oxygen, and this oxygen get mixed into the blood, and this blood is supplied, okay, all over the body. Okay, so what this uh, function, this uh, circulation of blood is due to the pumping of heart okay is due to the pumping of heart okay so this heart continuously pump oxygens and nutrient rich blood okay throughout the body okay and because of that your life gets sustained okay so this fist size powerhouse heat egg egg एक्सपांड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ओके ये क्या करता है एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है ओके सो नियर अबाउट वन लैख टाइम्स पर डे कितनी बीट्स होती है इसकी एक दिन में वन लैख वन लैख बीट्स ओके एक दिन में वो एक, एक लाख बार धड़कता है okay so and it pumps it it pumps 23000 liters okay how many 23000 liters of blood is pumping okay every day okay. okay this is that's why it is called as the amazing organs okay without uh, means uh, non stop non stop it performs its works okay थ्रू आउट अवर लाइफ ओके अपने जिंदगी भर ये क्या करता है पंप आउट करता रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके कितनी बार धड़कता है एक लाख बार धड़कता है एक दिन में और कितना पंप करता है ये ब्लड पूरे शरीर में ट्वेंटी थ्री थाउजेंड्स लीटर्स ओके सो दैट्स वाई हार्ट इज कॉल्ड एड दमेजिंग ऑर्गन ओके सो हार्ट हैव मेजर ब्लड वेसल्स, ओके, विच आर दीज सुपेरियर कावा, ओके दिस इज कॉल्ड आर द सुपेरियर कावा, इट इज प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ योर हर्ट्स आउटा विच इज प्रेजेंट इन योर लेफ्ट साइड ऑफ योर हर्ट्स ओके देन धैन पलमनरी वेन्स ओके पलमनरी आर्टेरीज ओके दिसज आर द पलमनरी आर्टेरीज दीज एंडज आर द पलमनरी आर्टेरीज ओके देन कॉर्नरी आर्टरीज दीज आर द दॉर्नरी आर्टेरीज दिस, ओके अगेन इंटीरियर वेना कावा, दिस पार्ट इस्ड एज द इंटीरियर वेना कावा, ओके एंड हार्ट मसल्स दिसज आर द दिस पोर्शन, ऑल पोर्शन इज कॉल्ड एज द हार्ट मसल्स ओके दिसज आर द कोर्नरी आर्टेरीज धीज ओकेज दीज आर दॉर्नरी आर्टेरीज ओके अंडरस्टूड इट सो दीज आर द मेजर ब्लड वेसल्स

दे बिगिन्स विथ द ऑर्टा आर्टामधून त्या बाहेर निघतात ओके द लार्ज आर्टेरी लिव्हिंग द हर्ट्स आर्टेरीज कॅरी ऑक्सिजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ओके हार्टपासून पूर्ण शरीरभर ब्लड पोचवण्याचं काम कोण करतं आर्टेरीज करतात ओके पूर्ण बॉडीचे जे टिश्यू आहे त्या पूर्ण टिश्यूजला बॉडी टिश्यूजला सप्लाई करने का काम ऑक्सीजन रिच और ब्लड कौन करता है करता है, ओके सो दे ब्रांच सेवरल टाइम्स दैट्स वाय दे ब्रांच दे गेट बाय फर गेट इन टू द सेवरल ब्रांच ओके टू सप्लाई द ब्लड ऑल ओवर द पार्ट ऑफ योर बॉडी ओके बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज दे कैरी ब्लड फर्दर फ्रॉम द हर्ट एंड इन टू ऑर्गन्स ओकेट्स वाय दे बीकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर ओके फॉर द supply of bloods okay throughout your body okay uh, another type of vessel is capillaries so these are the very small thin blood vessels that connect uh, the arteries and the veins okay that connect arteries and veins okay ja arteries and veins now connect karta okay uh, their thin walls enable oxygens nutrients carbon dioxide and other veins okay so these are ब्लड वेसल्स दॅट टेक ब्लड बॅक टू द हार्ट्स ओके ज्या वेन्स असतात त्या काय करतात जे ऑक्सिजनयुक्त ब्लड असतं नॉट ऑक्सिजन युक्त ब्लड जे ब्लड असतं तुमच्या शरीरमध्ये शरीरामध्ये ओके ते ब्लड पुन्हा हार्टपर्यंत पोचवण्याचं काम कोण करतात वेन्स करतात ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री टाईप्स ऑफ वेसल्स ओके सो नाव व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्ट अटॅक सो सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू पोर्शन्स ऑफ द हार्ट ओके हार्ट पोर्शन मध्य सडन ब्लॉकेजेस तैयार है आर्टरीज मध्य ब्लॉकेजेस ये ओके बिकॉज ऑफ दैट ब्लॉकेजेस देर इज अक ऑफ सप्लाय ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन ओके एंड दैट्स वाय इट कॉजेस हार्ट अटैक ओके इन मेडिकल टर्म्स और यम आई इट इज कॉल्ड एज द Myocardial infarction. Okay, uh, it is called as the myocardial infarctions. Okay, uh, or you can say heart muscle damage. Okay, it causes heart muscles damage. Okay, so this is the anatomy of coronary arteries with potential blockages. Okay, in a, in the first artery, this is the normal artery. This is

एंड स्ट्रक्चर ऑफ दैट कोलेस्टेरॉल इज लुक लाइक दिस ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरॉल ओकेट इज अड बाय द बॉडी टू मेक सेल मेंबरेन इसका यूज कहाँ पर होता है इट इज यूज बाय द बॉडी टू मेक सेल मेंबरेन सेल मेमबरेन ओके सेल मेंबरेन तैयार करने के लिए होता है ओके देन स्टीरॉयड हार्मोन्स तैयार करने के लिए होता है और विटामिन डी भी तैयार करता है ओके सो दैट्स दिस कोलेस्टेरॉल इज इम्पॉर्टेंट बट इन लिमिटेशन देर आर सम ओवर द लिमिटेशन, इट कॉजेज हार्ट अटैक ओके सो सोर्सेस ऑफ कोलेस्टेरॉल वाट आर सोर्सेस ऑफ कोलेस्टेरॉल सो दिस कोलेस्टेरॉल इज गेट फ्रॉम लिवर्स एंड डाइट ओके जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उसके माध्यम से और जो लीवर जो लीवर रहता है उनके माध्यम से हमारे बॉडी में वो तैयार होता है ओके सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंस दिस कंपोनेंट कॉजेस हार्ट अटैक इफ इट्स परसेंटेज इन योर बॉडी इज ग्रेटर और इट ओवर द इट ओवरकम द लिमिटेशंस ओके देन यू कॉज हार्ट अटैक ओके नेक्स्ट Uh, this is an example of a fairly good artery okay this is the structure of artery this whole structure is a, this is artery and uh, we get section horizontal section okay if you cut this artery in uh, in horizontally then you will get such type of uh, structures okay so this is an example of good artery this is an example of good artery okay good artery artery what is the function of artery it supply the blood toward the body uh, from heart to every part of your body okay and what is the function of vein it supply blood okay it supply blood uh, from every part of your body toward the heart okay so this is the example of गुड आर्टेरी एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टेरी विथ हंड्रेड पर्सेट ब्लॉकेजेस ओके यू सी इन द पिचर्स बर इज कंप्लीटली ब्लॉक इज फाउंड देयर ओके दिस इज अ हंड्रेड पर्सेट ब्लॉकेजेस ब्लॉकेज आर्टेरी ओके सो नेक्स्ट एक्साम्पल द हर्ट सो व्हाट इज हर्ट इट इज अ मसल्स द साइज ऑफ ए क्लेंच फिस्ट ओके मस्कुलर बॉडी ओके हार्ट इज अ मस्कुलर बॉडी ओके इट्स साइज इज लाइक हार्ट मीन्स लाइक स्पिक ओके इट्स साइज इज लाइक स्पिक ओके इज लोकेटेड बिहाइंड ब्रेस्ट बोन ओके जो हमारे बॉडी में ब्रेस्ट बोन रहता है ओके okay, जो हम क्या बोलते हैं उसको स्टर्नम बोलते हैं ओके okay, तो जो उसके जो रिप्स है हमारी उसके पीछे उसके पीछे जस्ट पीछे वो क्या रहता है हमारा हार्ट रहता है और उस हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो रिप्स है ओके okay? वो रिप्स रहती है ओके सो रिप्स हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है सो दिस हार्ट पम्प्स अबाउट वन लाख टाइम्स अ डे एक दिन में कितनी बार पम्प करता है ब्लड वन लाख टाइम्स ओके तो पम्प अबाउट सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लीटर ऑफ ब्लड पर डे कितना ब्लड सप्लाई करता है पंप करता है सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ओके सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ओके नेक्स्ट वाट इज हार्ट अटैक सो दिस हार्ट अटैक ऑकर वेन दैट सप्लाई द हार्ट मसल्स बिकम ब्लॉक मतलब उस हार्ट आर्टरी में क्या हो जाता है ब्लॉकेजेस जब आने लगते हैं तब क्या हो जाता है हमको हार्ट अटैक आता है ओके सो पार्शियली ब्लॉक इट काजेस एंजाइना ओके जब कोई आर्टेरी पार्शियली ब्लॉक होती है तब उसको क्या बोलते हैं हम अनजैना बोलते हैं मतलब हमारे जो चेस्ट है उसमें पेन होने लगता है एसिडिटी बढ़ती है ओके सो दिस दिस इज कॉल्ड द अनजैना ओके वेन फुल्ली ब्लॉक जब आर्टरी फुल्ली ब्लॉक हो जाती है तब क्या होता है इट कॉजेस अ मायोकार्डियल इंफेक्शन मायोकार्डियल इंफेक्शन मायोकार्डियल इंफेक्शन और हार्ट अटैक हम उसको इसको क्या बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं हार्ट अटैक बोलते हैं ओके सो हमारी छाती में पेन होने लगता है ओके दिस इज द सिम्टम ओके जैसे ये आर्टरी हो गई आर्टेरियल ब्रांच हो गई ये ब्रांच हो गई ओके okay? ये हमारी आर्टेरी है और ये उसकी ब्रांच है साइड ब्रांच ओके तो क्या हो क्या हो रहा है इधर देखिए यहाँ पे ब्लॉकेजेस फॉर्म हो रहे हैं ओके ब्लॉकेज आ गया वहाँ पे सो ड्यू टू दिस जो ब्लड है हमारा वो हार्ट तक नहीं जा पाता ओके मतलब ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है ओके सो दिस इज़ हमारी नॉर्मल आर्टरी दिस इज़ पार्शियली Occluded artery and this is 95% occluded artery. Okay. Due to this blockages, heart attack is caused. Okay. Next, A warning sign हम मतलब कौन से symptoms हम को दिखते हैं जब हम को heart attack के heart attack आता है क्या होता है chest pain अनजान आता है heaviness हेवीनेस uh, बहुत uh, हमको हेवीनेस uh, होने लगता है टाइटनेस आता है बॉडी पूरी टाइट हो जाती है पेन होता है मतलब बर्निंग होता है हार्ट में ओके प्रेशर और क्विजिंग बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन्स और इन द आर्म्स नेक और जॉज ओके सो इन दिस एरियाज वेयर बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन ब्रेस्ट बोन के पीछे मतलब हमारी जो पीठ है उसके पीछे हमको दर्द होने लगता है बहुत जोरों से दर्द होता है और इन हमारे आर्म्स में भी जम पेन होने लगता है हमारे नेक में भी दर्द होता है और जॉ जो हमारे जॉ है वहाँ पर भी बहुत जोर से दर्द होने लगता है ओके सो दिज आर सम वार्निंग साइंस ओके अब हार्ट अटैक अगेन अगेन देर आर सम तो फर्स्ट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमारे जो ब्रेथ है वो शॉर्ट हो जाती है हम मतलब सांस नहीं ले पाते बराबर ठीक से ओके okay? स्वीटिंग हमको पसीना आने लगता है नासिया ओके नासिया होता है लाइट हेडनेस हेडेडनेस मतलब हमारे सर में भी दर्द होने लगता है ओके okay? हम हमको उल्टी जैसी उल्टी जैसी लगती है मतलब नासिया मतलब क्या होता है अपन मड़म मड़ मन तो मरा है ना अशा अच्छा प्रकार लक्षण तुम्हारा हार्टअटैक दिता ओके नेक्स्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू इच्छेमिया इच्छेमि मीन्स वॉट लैक ऑफ ब्लड सप्लाय जो हमारे जो बॉडी में हमारे हार्ट में प्रॉपरली ब्लड सप्लाय नहीं होता ओके नोविंग ऑफ कोर्नरी आर्टरी हमारे जो कोर्नरी आर्टरीज है वो Uh, न्यारो हो जाती है ओके okay? मतलब ब्लॉक होने की वजह से वो नैरो हो जाती है हार्ट रिस्पॉन्ड विथ अनजना ओके हमारा हमको अनजाइना होने लगता है मतलब एसिडिटी बढ़ती है पेन होता है वहाँ पे ओके चेस्ट पेन होता है फाइनली हार्ट अटैक उस uh, मतलब उसका जो परिणाम है किसमें होता है हार्ट अटैक में होता है मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शंस ओके सो पॉसिबल परमानेंट डैमेज मतलब जो हमारा हार्ट है वो डैमेज हो जाता है जो उसके जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं ओके okay. जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो हार्ट uh, सेल्स है सेल्स गेट डैमेज ओके नेक्स्ट सो ट्वेंटी परसेंट कार्डियक अरेस्ट डिसीज इवेंट्स प्रेजेंट एज ए मतलब एक सडन uh, जो डिस मतलब क्या होता है सडन हार्ट अटैक आ जाता है ओके सो फिफ्टी परसेंट डेथ फ्रॉम सी डी आर सडन मतलब जो हार्ट अटैक की जो फिफ्टी परसेंट डेथ से वो सडन हो जाती है एक ही झटके में वो वो आदमी डाई हो जाता है ओके okay? उसकी डेथ हो जाती है आपने एग्जाम्पल देखा होगा हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ओके okay? उनको वो जब स्पीच दे, दे रहे थे बच्चों के सामने तो उनको जब स्पीच देते वक्त उनको हार्ट अटैक आया था और वो गिर पड़े थे ओके okay? उसी टाइम उनकी मौत हो गई थी ओके सो हार्ट अटैक काज़ेस सडन डेथ ओके नेक्स्ट हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ व्हाट आर द

ये क्यों होता है ऐसे क्योंकि ब्लॉकेजेस आने लगते हैं ओके okay, हाइपरटेंशन होता है वहाँ पे। मतलब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उसके कारण हमारे जो वेसल्स है वहाँ पे वेसल्स वॉल जो है उसके ऊपर प्रेशर आता है ओके सो दिस इज़ कॉल्ड द हाइपर सो ब्लड प्रेशर हैज़ टू नंबर्स ओके दो नंबर्स मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक ओके सिस्टोलिक मतलब क्या होता है प्रेशर्स वेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए होता है क्योंकि उसको पम्प करना होता है ब्लड ओके ब्लड पम्प करता है ना तब वो क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ओके ब्लड पम्प करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ओके okay? और रिलैक्स कब होता है जब वो पम्प करता है पूरा ब्लड तो वो रिलैक्स हो जाता है तो रिलैक्सेशन पोजिशन क्या पोजिशन को क्या बोलते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर ओके और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर ओके और जब वो रिलैक्स होता है तब डायस्टोलिक बोलते हैं तो जो हमारा जो हेल्दी पर्सन का जो जो ब्लड प्रेशर है कितना है 120 डिवाइडेड बाय 80, 120 ट्वेंटी टू एटी एम एम ओके कितना होता है 122, ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड एटी मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ओके तो इतना एम एम एच जी ओके एच जी इतना क्या होता है नॉर्मल जो पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर रहता है ओके सो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर टेंशन क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं एक ऑप्टिकल होता है ऑप्टिकल हाइपर एक हाई ब्लड प्रेशर्स और एक हाई नॉर्मल ओके जब हमारा जो सिस्टेलिक और डायस्टोलिक रेशो है 120 ट्वेंटी और या 80, 120 से लेके 129 या 80 से लेके 85 तक रहता है तो हम उसको ऑप्टिमल बोलते हैं मतलब ये नॉर्मल है ओके वो क्या है नॉर्मल है ओके समझ में आया आपको मतलब 120 टू 129 टू तो, 80 टू तो, 85 फाइव ये जो रेंज है उसको क्या बोलते हैं ऑप्टिमल मतलब नॉर्मल रेंज ओके और हाई ब्लड प्रेशर कब होता है जब वो उसके ऊपर जाता है 140 और 90 एम एम या उसके ऊपर रहता है तब हम उसको बोलते हैं हाइपर हाई ब्लड प्रेशर्स ओके हाई नॉर्मल 130 थर्टी टू वन और 80 टू 89 नाइन एम ओके यहाँ तक अगर उसकी लिमिटेशन है तो उसको क्या बोलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं हाई नॉर्मल बोलते हैं ओके okay? तो इसके कारण क्या होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ अस्ट्रोक स्ट्रोक होता है ओके okay? इंक्रीज रिस्क ऑफ़ हार्ट डिसीज़ हार्ट डिसीज होता है डैमेज किडनीज एंड आईज ओके इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर के कारण uh, जो हमारी किडनी है या जो हमारी आई है ओके okay, uh, वो डैमेज हो जाती है कॉज इम्पोर्टेंस ओके और डिस्टर्ब सर्कुलेशन हमारे जो बॉडी सर्कुलेशन है ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है ओके okay. और दूसरा एक कंपोनेंट्स जो हमने पढ़ा था कोलेस्टेरॉल के okay? तो कोलेस्टेरॉल कैसा रहता है वैक्सी फैट सब्सटेंस ओके ये जो कोलेस्टेरॉल है हमारे जो वेसल्स है उसके इंटरनल वॉल पे चिपक जाता है ओके okay? उसके कारण हमारे जो वेसल्स है उसको क्या आ जाता है uh, मतलब वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं ओके सो कोलेस्टेरॉल इज़ अ वैक्सी फैट सब्सटेंस इन द ब्लड ओके कहाँ पे ब्लड uh, में जो एक वैक्सी फैट जमा हो जाता है ओके okay? uh, जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है वो कोलेस्टेरॉल ओके कोलेस्टेरॉल का हमने फंक्शन देखा था वो किसके लिए काम आता है वो इट फॉर्म्स और इट इट फॉर्म्स सेल ओके, सेल मेंब्रेन तैयार करने के लिए ओके okay? इसका यूज है अगेन अगेन कोलेस्टरॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बट इट्स लिमिट 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 में अगर वो है तो वो ठीक है नहीं तो उसके ऊपर अगर चला जाता है तुम्हारे बॉडी में तो वो क्या हो जाता है इट कॉजेज हार्ट अटैक ओके सवर बॉडी नीड्स कोलेस्टेरॉल टू फंक्शंस लीवर मेक्स ऑल द कोलेस्टेरॉल इट नीड टू सर्वाइव ओके जो हमारा लीवर है वो तैयार करता है कोलेस्ट्रॉल इट नीड टू सर्वाइव उसके सर्वाइव के लिए वो तो लीवर क्या करता है कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करता है फॉर्म करता है ओके सो अदर सोर्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल कम्स फ्रॉम फूड जो दूसरे सोर्स है जहाँ से हमको कोलेस्ट्रॉल मिलता है वो कौन से फूड है जो हम फूड खाते हैं तो उसी के माध्यम से हमको कोलेस्ट्रॉल मिलता है ओके सो कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स एज मीट एग एंड होल मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स इन सब चीज़ों से हमको क्या मिलता है कोलेस्टेरॉल मिलता है इफ़ द लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल गेट्स टू हाई जब इसकी लेवल बहुत बढ़ जाती है इट कैन स्टिक टू आर वॉल्स ये कहाँ पे चिपक जाता है आर वॉल में चिपक जाता है ओके okay? ओके okay? ये आर वॉल में चिपक जाता है एंड कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम और इसके कारण हमको हार्ट अटैक आता है ओके तो दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ कोलेस्टेरॉल मतलब अंडर टू हंड्रेड है तो वो हम आ, ये नॉर्मल है ओके और जो दूसरे कंपोनेंट से एच और एल अगर एच की आ, जो प्रोपोर्शन है हमारे बॉडी में वो सिक्सटी के ऊपर है तो हम हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर एच डी लेवल आ, बढ़ जाती है ओके हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो आ, हमको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और तीसरा कंपोनेंट जो है वो ट्राइग्लिसराइड है ट्र, ट्र, मतलब वो ट्राइग्लिसराइड की जो आ, जो क्वांटिटी है हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए अंडर वन फिफ्टी होनी चाहिए अगर उसके उससे ज़्यादा होती है तो हमको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ओके सो गुड कोलेस्टेरॉल किसको बोलते हैं हम एचडीएल ओके मतलब उसका जो लॉन्ग फॉर्म क्या है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज नोन एज द गुड कोलेस्टेरॉल ओके सो so, उसका परसेंटेज हमारे बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए अबोव सिक्सटी ओके सो इट हेल्प्स कैरी सम ऑफ़ द बैड कोलेस्टरॉल आउट ऑफ द बॉडी जो हमारे बॉडी में जो एल है बैड कोलेस्टोरॉल बोलते हैं हम उसको वो कैरी आउट करने के लिए और जो गुड कोलेस्टोरॉल की जरूरत हमें पड़ती है सो इट डज नॉट हैव द टेंडेंसी टू क्लॉग आर्टरीज ये आर्टरीज को क्लॉग नहीं करता मतलब को नहीं होने देता ओके okay. सो लेवल शुड बी ग्रेटर देन थर्टी फाइव थर्टी फाइव से ऊपर होनी चाहिए नॉर्मल आदमी में मतलब सिक्सटी तक रहती है ओके हाई लेवल ऑफ एच डी एल ग्रेटर दैन सिक्सटी कैन एक्चुअली निगेट वन अदर रिस्क फैक्टर सिक्सटी के ऊपर भी अगर रहता है तो भी हमको प्रॉब्लम होता है मतलब 60, थर्टी uh, फाइव से ऊपर और सिक्सटी के नीचे होना चाहिए ओके okay. गुड कोलेस्टेरॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल हम किसको बोलते हैं एल डी एल ओके लाया लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन उसका लॉन्ग फॉर्म है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज नोन एज द बैड कोलेस्टेरॉल सो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू इंक्रीज रिस्क ऑफ जो कार्डियक हार्ट डिसीज है वो uh, होने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है ओके सो एल डी एल आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक दैट क्लॉग आर्टरीज तो लेवल शुड बी लेस देन 130 130 के वन थर्टी से लेस देन होनी चाहिए ओके okay? सो so, ये कहाँ से मिलता है हमको ये जो हम फूड खाते हैं ओके okay? ये जो हम फूड्स खाते हैं उस फूड के माध्यम से हमको ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में तैयार होता है अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है हमको हार्ट अटैक आता है ओके तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल डज नॉट हैव एनी सिम्टम्स हाई अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसके सिम्टम्स उस हमको दिखाई नहीं देंगे बट हमने अगर प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया तो हमको उसके सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे ओके okay? उससे क्या होता है अनजाइना होता है हार्ट अटैक आता है और स्ट्रोक होता है ओके okay? सो so, प्रॉपर जांच हमारे ब्लड की होनी चाहिए ओके okay? हमको पैथोलॉजी जाना चाहिए ब्लड चेक करना चाहिए ओके हाउ कैन आई ब्रिंग डाउन माई कोलेस्ट्रॉल लेवल हम कैसे उसको Uh, कम कर सकते हैं उसकी लेवल हम कैसे कम कर सकते हैं तो हमको क्या करना चाहिए प्रॉपर डाइट इज नेसेसरी एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए स्टॉप स्मोकिंग स्मोकिंग नहीं करना चाहिए रिड्यूस अल्कोहल अल्कोहल नहीं लेना चाहिए फॉलो द मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स ओके डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिए मेडिकल मेडिसिन दिए वो हमको लेनी चाहिए रिमेंबर वॉट इज़ गुड फॉर यू यूर डॉक्टर्स नो द बेस्ट ओके हमको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए ओके जैसे ओबेसिटी वगैरह हम बहुत सारा खाना खाते हैं फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं उसके माध्यम से हमारा जो बॉडी वेट है वो बढ़ जाता है उसके कारण उसका परिणाम होता है कोलेस्टरॉल बढ़ने में ओके कोलेस्टरॉल अगर बढ़ती है हमारे बॉडी में तो हमको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा है ओके सो जो ओबेसिटी है ओबेसिटी को क्या बोलते हैं हम मतलब वेट बढ़ जाना अचानक से ओके सो एसोसिएटेड विथ डायबिटीज़ मिलिटस डायबिटीज़ जब मतलब हमारी बॉडी में जो इंसुलिन की लेवल है कम हो जाने की वजह से हमारे हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाने आ, बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम डायबिटीज़ बोलते हैं ओके okay? उसका परिणाम हाइपरटेंशन में होता है कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटी रहता है ओके बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है वेट वेट बढ़ता है ओके बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए एटीन टू ट्वेंटी इतना होना चाहिए अगर इसके इससे ज़्यादा होता है तो हमें वो प्रॉब्लमेटिक है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट ओबेसिटी हार्ट अटैक के लिए बहुत सारी चीज़ें और भी uh, मतलब रिस्पॉन्सिबल uh, है जैसे डायबिटीज़ मेलेटस डायबिटीज़ अगर हमारे ब्लड बल, में बढ़ जाती है मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज या शुगर बढ़ जाती है तो उसका परिणाम भी हमारे बॉडी पे होता है हार्ट अटैक उससे भी हो सकता है ओके okay? नेक्स्ट स्मोकिंग वगैरह स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ओके तो वो क्या करते हैं स्मोकिंग जो एच डी एल लेवल है हमारी बॉडी में वो घटा देते हैं ओके सो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए ओके okay? अल्कोहल नहीं लेना चाहिए अल्कोहल इनटेक इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी बिकॉज और ये भी हम मतलब ये जो ये जो अल्कोहल है इसका डायरेक्ट जो परिणाम है हमारे हार्ट पर होता है ओके और अल्कोल जो है अल्कोहल जो है हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है अल्कोहल स्किल्स ब्रेन सेल्स अल्कोहल क्या करता है ब्रेन सेल्स को मार देता है डैमेज लीवर लीवर खराब कर देता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है हार्ट बीट बढ़ाता है ओके और उसके कारण हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ओके okay? जो हम ट्रेस लेते हैं हम एवरी पर्सन एवरी पर्सन हैज़ गॉट सम स्ट्रेस ओके बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ ओके ही गॉट स्ट्रेस सो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस द हारमोनल इम्बैलेंस इज इंक्रीजेस ओके उसका हारमोनल इम्बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और उसके कारण क्या होता है हमको निगेटिव फीलिंग आने लगती है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है हार्ट बीट बढ़ते हैं ओके तो ट्रेस के कारण ये सब चीज़ें होती है उसका परिणाम हार्ट अटैक होने मतलब उस पर होता है ओके तो हमको क्या करना चाहिए इसके लिए तो हमारा जो बहुत सारा टाइम है स्पेंड टाइम विद द पर्सन यू लाइक जो हमको अच्छे लगते पर्सन ओके जो हमारे विचार उनको पसंद है हमको अच्छे लगते हैं उनके साथ हमको टाइम बिताना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमारी रिमेंबर द थिंग्स दैट यू आर गुड इन लाइफ ओके जो हमने कुछ अच्छा किया है हमारे लाइफ में उसके बारे में हमको थिंकिंग करना चाहिए ओके वेस्ट टू रिलैक्स क्या करना चाहिए और एंजॉय म्यूजिक रीड बुक्स बुक भी हम पढ़ सकते हैं डू गार्डनिंग गार्डनिंग भी कर सकते हैं ओके okay? और हमारे इंडिया में जो ज़्यादातर हार्ट अटैक के जो पेशेंट हैं ओके किसके कारण होते हैं हम हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंटेक करने की वजह से होता है ग्लूकोज बढ़ती है शुगर डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वेरी लिटल फिजिकल एक्सर्शन, ओके जो हम एक्सरसाइज नहीं करते प्रॉपरली ओके वेरी लिटल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स स्पोर्ट में हमें रुचि नहीं है हायर इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी ओके हमें ओबेसिटी ज़्यादा होती है डायबिटीज बहुत सारे लोगों को होने के कारण हार्ट अटैक आता है ओके okay. सो so, उसके डायग्नोसिस क्या करनी है टाइपिकल हिस्ट्री मतलब उसके लिए क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं सीरम कार्डियक मार्कर्स ये जो टेस्ट है ये टेस्ट करते हैं इकोकार्डियोग्राफी करते हैं टेस्ट ट्रेस टेस्टिंग करते हैं माइक्रोकार्डियल परफ्यूजन uh, इमेजिंग ये भी करती है और कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करती है ओके सो so, ये ये टेस्ट जब हम करेंगे तो हमको पता चल जाता है कि हमारा जो बॉडी फंक्शन है कैसा चल रहा है ओके कोलेस्टेरॉल लेवल कैसी है ओके हमारी जो आर्टरीज है है कैसी है ओके ये हमको पता चल जाती है ओके और क्या करना है ई भी करना है ई भी करते हैं ओके ई मतलब इलेक्ट्रोकार्डियल ग्राफ है उनको मालूम पड़ता है कि हमारा हार्ट बीट कितना है ओके और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करते हैं ड्रग्स वगैरह आज बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है ओके एनजियो भी करते हैं और स्टेंट भी लगाते हैं ओके एक स्टेंट है वो डालते हैं वेंस के माध्यम से हमारे हार्ट तक वो पहुँचती है जहाँ पे ब्लॉकेज है वो निकालने के लिए काम आता है ओके सो so, कोर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी करते हैं ओके सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स अगेन एस्परिन एंटीप्लेटिनंट एजेंट मतलब जो हमारे वेंस में ब्लड को एगुलेट हो जाता है उसको को एगुलेट होने से बचने के बचने के लिए एस्परिन लेना जरूरी है ओके जो एस्प्रीन है वो क्या कर देता है ब्लड को हमारे मतलब पतला कर देता है ओके और उसके कारण ब्लड सप्लाई अच्छे होने लगता है अच्छा होने लगता है मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है ओके उनको प्रॉपर डाइट लेना चाहिए ओके सो दिस इज दिस इज़ अ प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, ऐसे प्लान प्राइमरी एंजियोप्लास्टी ऐसे करते हैं मतलब वो स्टेन डाल देते ये जो आर्टेरीज है ये पूरा हार्ट का एरिया है हार्ट के मसल से और वहाँ पे जो ये जो आप दिख रहे वो आर्टेरीज है ओके सो so, इस आर्टरी में वो क्या स्टैंड डाल देते हैं ओके और उसके कारण वो आर्टरी थोड़ी फुल जाती है और ब्लड सप्लाई होने लगता है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल अबाउट द हार्ट अटैक ओके सो यू अवेयर अबाउट दैट एंड डू एक्सरसाइज गेट बैलेंस डाइट ओके बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है हमको लेना बहुत ज़रूरी है ओके okay? ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मल हेल्दी लाइफ की लाइफ uh, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्ट अटैक ओके थैंक यू